रामानुगंज शहर में लगे ग्राम पंचायतों में आए दिन वन क्षेत्रों में वनाधिकार पत्र बनवाने कब्जे का खेल चल रहा है। ऐसे ही एक मामला आज भी प्रकाश में आया है जो ग्राम पंचायत पुरानीडीह का है, जो नगर पंचायत से लगा हुआ है, जिसमें कब्जा करने वाले लोगों ने साफ कहा है कि बाहर के लोग यहां आकर अपने नाम से वनाधिकार पत्र बनवा रहे हैं और कई एकड़ जमीन फर्जी तरीके से विक्रय भी कर दे रहे हैं। और हम तो स्थानीय लोग हैं, हम क्या घर बनवाने के लिए कुछ डिसमिल जमीन कब्जा नहीं कर सकते? ऐसे कई लोग वनभूमि पर कब्जा करते हुए देखे गए। गांव में एक महिला चौकीदार है, उसका कहना है कि इसकी सूचना उसने वन विभाग के अधिकारियों को दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 26 जनवरी के बाद ही कुछ कर पाएंगे, तब तो शायद इन वनभूमि के क्षेत्रों में कब्जा होकर घर भी खड़े हो जाएंगे। किसी को ना पट्टा मिला, 10 एकड़ मिला या 50 एकड़ मिला, पूरा जंगल को पट्टा ही बता बता के उससे बिक्री करना चालू हो गया। इसीलिए मान लीजिए जिसकी किसी को बेचने के लिए चाहिए और किसी को रहने के लिए भी नहीं चाहिए, इसीलिए जो है कि हम लोग वो कर रहे हैं। तो नहीं, जंगल को पेड़ भी काटे, पेड़ नहीं काटना है। पेड़ क्यों काटेंगे? पेड़ तो होगा तो हम लोग का होगा ना, पेड़ तो हम लोग का होगा, पेड़ तो हम लोग काटेंगे नहीं, बस हम लोग को जमीन चाहिए ना, पेड़ क्यों चाहिए? कितने एकड़ में? लगभग हो गया 25-30 एकड़। कम से कम वीडियो घुमा कर आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कम से कम 80-90 लोग तो ही है। आप उधर देख सकते हैं कितना महिला लोग भी हैं उधर, अपना अपना जिनका घर दूरा नहीं है तो आए भी करेंगे सब। यहाँ तो अभी लोकल लोग हैं, बाहर के लोग तो बसे हुए हैं। बाहर लोग को तो दिया गया है ना, जो पट्टा रखा है पूरा जंगल का पट्टा दिखाता है कि पूरा हमारे है। 29x16 है, कहने दिखाते हैं कि मेरा ही है। टोटल पट्टा सुनी कर हमें दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास 50 एकड़ का पट्टा है और पता चलता है कुछ दिन के बाद बिक्री हो रहा है। यहाँ तो नहीं, सब झारखंड लोग हैं, पूछ सकते हैं, पूरा पब्लिक लोग हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। पूरा है घर तो सर बच गया होगा 15-20 घर। तो वही गुमराह खाली करते हैं, क्या करना है उन लोगों को, तो भाई वही है। उधर भी तो देख रहे हैं कब्जा, उधर देख रहे हैं जो सीबी से होता है, कहाँ कुछ हो रहा है। हम लोग को गाँव चरागन के लिए मिला था, उसको भी देख रहे हैं जो सीबी से कड़वा रहा है, कहाँ फॉरेस्ट विभाग आती है। कौन कर रहा है उसको? तो है बीडी लाल की, क्या बोलते हैं वो है, वो समय गाली ने काम करना चाहिए। तो मनाए थे हम लोग भी, मान गए थे कि नहीं बन रहा है तो ठीक। जब आए तो सुन लेकर बोल रहा जब दिशा नहीं खरेंगे देंगे, औरत के साया घर रहेगा और मर्दना के पांच खुला रहेगा। जब सुन लेकर बोला तो दिन का दा देखे, दूसरा लड़ाई साल हो गया वो दिन, उस समय फरेश से आए थे चार पांच दिन मान जाइए आप लगा लेके आए थे ठीक ना, उस समय बोले कि 15 दिन में पौधा लग जाएगा। 15 दिन अभी 3 साल हो गया, आज से गांव जीता, वो दिन गांव जीतना चाहिए। 4-5 दिन क्या आज चौकीदार में और सिपाही में क्या गलती कर रहे हैं? आज मेरा गलती मत करिए, बार बार हम फोन कर रहे हैं गाँव वाला के, बार बार फोन करे सरपंच जी, फोन करे सचिव जी, फोन करे पूरा गाँव खाते नहीं जाता। सरपंच जी बोले कि इनका इनका गलती, इनके कारण घर बन रहा है, तब बोले कि नहीं इन लोग से ज्यादा गलती है या पार्वती गलती है? तो पार्वती का पिंटू गलती नहीं है, हाँ घर बनाने में, घर बनाने की बात नहीं हुआ है। पिंटू के पार्वती के ये काम है जो फोन करना अधिकारी से, अधिकारी आए चाहे मत आए, पिंटू का पावर है। अरे 4-5 दिन मान जाए, 4-5 दिन के बाद पिंटू आया तो यहाँ से मार खा गया, कपार भी पिंटू को फूट गया है। 5 दिन मान रहे हैं पिंटू से, क्या आपका मान रहा है, लेकिन 5 दिन में कहा हम लोग को 5-5 डिसमिल का पट्टा मिल जाएगा, जिसका जमीन नहीं है हमारा नहीं जमीन है, अब हम लोग का अधिकार रहेगा। अरे बाबा, सिपाही के सिपाही का चौकीदार की गलती नहीं है, अब पट्टा नहीं मिला कि नहीं मिला आप समझिए। 3-4 साल हो गया घर बन रहा था, फरेश कहाँ सो रहा था, क्या सो रहा था फरेश मेरे को बताइए। नहीं तब सुनिए, चौकीदार का पिंडो में नहीं गलती है, रहा तो पुलिस चौकीदार सब पहुंच जा रहा है, घर बन रहा था अधिकारी है, अब पार्वती अधिकारी फोन कर रहा है, पार्वती में पिंडो में नहीं गलती है। 10-12 साल पहले से इधर वैसे तो मुहैया काम हमारा कोई दिया है क्या? सुनने का लड़ दिया है क्या? बाद में बना, अब गाँव में क्या करते? हम बाहर है 3 दिन में आएंगे, तो 3 दिन के बाद में क्या हो जाए क्या नहीं, हम यहाँ मार खाने आ गए, कहाँ तक भाई हो गया ना?
तीन दिन हम लोग को बनाने दीजिए, फिर तीन दिन के बाद आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब के जाएगा तो हमनियों के जाएगा, टूटेगा और नहीं तो सब के रहेगा तो हमनियों के रहेगा। यही बात है, अब किसी को 55 एकड़ मिल रहा है, 50 एकड़ पट्टा मिल रहा है, ऐसा पुलिस मिलने क्यों मिल रहा है? दो आदमी चार गो आदमी के रहेगा पट्टा मिला ना तो बेचने के लिए, अरे बिजनेस मैन जमीन भी गवर्नमेंट दी है बेचने के लिए पट्टा, खाने के लिए नहीं, जीने खाने के लिए, कमाने के लिए नहीं मिला है। ऐसे ऐसे अधिकारी लोग को मिल रहा है, जमीन को बेचने के लिए मिल रहा है पट्टा। अब बताइए बाकी पब्लिक बुड़बक है, पूरा झारखंड के लोग कैसे उठाएगा मौका में कैसे बाबू? शर्त रहेगा संतुष्टि रहेंगे तो फिर तीन दिन मानेंगे, लेकिन का शर्त पे शर्त मानना तो नहीं है। दयाशंकर को काहे बोल रहे हैं, कोई नहीं मानेगा, दयाशंकर बोल रहे नहीं बेचे। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, इसमें पहले भी कई जंगलों में वन अधिकारों के नाम पर वन भूमि में कब्जा होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अथवा वन विभाग लाचार दिखती है और कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में जंगल है जो सामने से तो घने दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें काटकर वन अधिकार पट्टा के नाम पर कब्जा किया जा चुका है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है कि बाहर के लोग कब्जा करके वन अधिकार पट्टा बनवा रहे हैं, यह खेल लगभग हर जगह खेला जा रहा है। जरूरतमंदों को वनाधिकार पत्र काफी कम मिल पाते हैं, जबकि बाहरी लोग ऐसी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। ग्रामीणों ने किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनका तो बिजनेस ही हो गया है, वनभूमि पर कब्जा कराकर बेच देना। जो सुनील कन्हरे जमीन पूरा बेच दे रहे हैं, उसके चलते हम लोग वो जमीन बेच रहा है, दिखाता है अपना पटा और अलग बेचते जा रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। तो भाई हम लोग इस गांव के हैं तो हम लोग को भी तो कुछ चाहिए ना। वो तो बताता है कि घर में जितने आदमी है सबके पास पट्टा है, घर में पांच को पट्टा मिल जाए किसी को, वो भी प्रॉब्लम एक घर में थोड़ी है पांच पट्टा रहना नहीं है। वो सब झारखंड के आदमी से बेच रहा है, सब झारखंड के लोग को बसा रहा है यहाँ से कम 15-20 घर बन गया चुका है। विभाग के लोग आते तो फिर घर घर बनता, आते हैं फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं, अगर उसी पर कार्रवाई अगर होता तो 20 घर थोड़ी बनता। जमीन मिला था और गौशाला में देख रहे हैं कि जेसीबी से वो सब खोदा जा रहा है, सब अपना अपना कर रहे हैं। जेसीबी थोड़ी चलना चाहिए वहाँ, गौशाला गांव के लिए गोठान के लिए मिला था, उसमें भी जेसीबी चला दे रहे हैं, उसी बीडीलाल वो सब चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्थानीय ग्रामीणों को छोड़ कोई बाहरी व्यक्ति जो दूसरे गांव या ग्राम पंचायत का निवासी है, जो आकर वन अधिकार का दावा करता है अथवा ग्रामीणों के अनुसार कब्जा करके बेचता है, उस पर वन विभाग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस तरह का हाल अविवाहित सरगुजा के लगभग सभी जंगलों का है, जहां वन अधिकार पत्र के नाम पर जंगल ठूठ में तब्दील होते जा रहे हैं। यदि सरकार, जिला प्रशासन और वन विभाग यूं ही चुप बैठा रहा तो आज तो यह पुरानडीह का मामला है। यदि सही तरीके से जांच की जाए तो अधिकतर ऐसे मामले सामने आएंगे जहां वन अधिकार पत्र देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर लोगों को वन अधिकार पत्र बांटा गया है। मतलब जिस वर्ष अथवा सत्र में कब्जा बताया गया है वह नहीं रहने के बावजूद काफी लोगों को वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। ठीक है, जांच में जो दिखेगा वही ना आप लिखेगा। अब ऊपर रहा है कि नहीं पट्टा है, हम बोले कि पट्टा है, उनको तो दिखाने के लिए बोलिए। नाम लेकर उसमें मेरा प्रूफ भी है, क्योंकि एक पौती मैं रखा हूँ ना, लिखित में इसीलिए तो गद्दार बोल रहा हूँ, गद्दार किया। नहीं आप बोले कि दयाशंकर बोला है घर बनाने के लिए, मैं घर बनाने के लिए नहीं, मौखिक में नहीं, वो बात नहीं कर रहा। नहीं अभी आप बोले सरप्रसाद, नहीं नहीं बोला भैया, नहीं नहीं मैं ये बात नहीं, वो बोले इनको बोले तो आप बोले कि दयाशंकर सबको बोला है, हम लोग को नहीं बोले है, हमारे साथ गद्दारी किया है, मैं ये बात बोल नहीं, ये अभी बोल रहे हैं। आज हम लोग पैसा लेते हैं ना, बोलेगी इन लोग की गलती नहीं है, दयाशंकर की गलती है। हम वही शब्द को पकड़ते हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं।